नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2019-20 के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर देख लेते हैं आज की। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए शासन सचिव ने निदेशक से मांगी रिपोर्ट, गांव व ढाणियों के लोगों की फिर जगी उम्मीद, प्रदेश के 3,717 स्कूल फिर खुलेंगे। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रदेश के 3,717 स्कूल फिर से खुलेंगे। और दोस्तों नई स्कूल खुलेगी इसका मतलब है कि उसमें टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, और टीचर की ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों नई भर्ती निकलेगी रीट की, ये कन्फर्म मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पिछली सरकार ने 22,000 से अधिक स्कूलों को किया था बंद, ठीक है, और बंद चुनाव में गूंजा था सबसे बड़ा मुद्दा बनकर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बीजेपी सरकार ने 22,000 स्कूलों को बंद किया था, ठीक है, और अब दोस्तों वापस ये 22,000 स्कूल वापस खुलेगी। इसके अलावा इसमें और जोड़ दीजिए 1,500 स्कूल, लगभग मान के चलिए 4,000 के आसपास नई स्कूलें खुलने वाली है राजस्थान में, ठीक है। और दोस्तों नई स्कूलें खुलेगी तो इसका मतलब साफ साफ है कि नई भर्ती निकालनी पड़ेगी सरकार को रीट की, ठीक है। तो मान के चलिए दोस्तों एक बार फिर से 2019-20 में नई रीट की भर्ती निकलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, और इसी संबंध में दोस्तों ये नोटिफिकेशन भी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर है कि राजस्थान में एक बार फिर से रीट की भर्ती आने वाली है 2019-20 में, ठीक है, प्रदेश के 3,717 स्कूल फिर खुलेंगे। अब दोस्तों नई स्कूल है तो इसमें टीचर की ज़रूरत पड़ेगी तो राजस्थान सरकार को भर्ती निकालनी पड़ेगी रीट की। तो अभी की दोस्तों बड़ी खबर यही है कि शासन सचिव ने निदेशक से मांगी रिपोर्ट, गाँव ढाणियों के लोगों की फिर से जगी उम्मीद है, और प्रदेश के 3,717 स्कूल फिर से खुलेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।